हमारे साथी और 8000 के आसपास कर्मचारी इस विभाग में हैं, अधिकारी और कर्मचारी, और अभी हम और भर्ती भी विभाग में करने जा रहे हैं। 2061 के आसपास वन मित्र बहुत जल्दी हम तैनात करने जा रहे हैं प्रदेश में, और ताकि वनों की सुरक्षा और सजगता से और मैन पावर के साथ की जा सके। तो विभाग को प्रदेश की आर्थिकी में कैसे भूमिका निभानी है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे अधिकारियों और आप कर्मचारियों के समक्ष है, क्योंकि कटान पे प्रतिबंध है और हम केंद्र से भी मांग करते हैं कि हम लगातार देश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, संरक्षण के लिए, जब हम पेड़ों के पूर्ण कटान पे रोक लगा के रखी है तो इसके एवज में इसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार करे और वन विभाग की मदद करे। लेकिन ऐसा बार बार प्रयासों के बावजूद संभव नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश ने तो जो सेब की पेटियां भी पहले लकड़ी की बना करती थी उस पे भी रोक लगा के गत्ते की पेटियों का प्रचलन शुरू किया, और जो माफिया का दौर था जिस समय, उसमें हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह पेड़ों के कटान पे रोक लगाई, तो एक लंबा समय बीत गया है। लेकिन देश के लिए हमने कटान पे रोक लगाया, लेकिन इस पहाड़ी प्रदेश की कोई मदद किसी स्तर पे नहीं हुई है। और हाल ही में आपने देखा कि यहां पे बहुत बड़ी त्रासदी आई, 12000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ, और हम केंद्र से एक रिलीफ पैकेज की मांग करते रहे और वो पैकेज तो हमें हासिल नहीं हुआ। और हमने उसके बाद कहा था कि जो हमारा क्लेम है जो लगभग 5000 करोड़ रुपए का बनता है वो हमें दिया जाए, और उसकी बात हम पूरी दृढ़ता से हर मंच पे हर तरीके से विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर लगातार रख रहे हैं। और अब भी जो राशि केंद्र जारी कर रहा है वो किसी के कहने पे नहीं, अलबत्ता जो प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार का है, जो निरंतर दबाव हिमाचल प्रदेश बना रहा है, उसकी बदौलत जो राशि आ रही है उस पे भी कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए हम ये प्रयास जारी करते रहेंगे, लगातार प्रयास करेंगे कि जो हमारा क्लेम बनता है, अगर पैकेज नहीं तो क्लेम कम से कम हमें जो 5000 करोड़ रुपए का है वो हमें उपलब्ध करवाया जाए, और जंगलों को बचाने के एवज में जो मदद हमारी बनती है वो मदद हमारी की जाए। और हमने तो आपके सामने जिन प्रजातियों को लोग मान्यता देते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ है, चाहे बड़ का पेड़ है, चाहे आम का है, या ऐसी 9 प्रजातियों पे जो है वर्किंग प्लान से हटके कटान पे पूरी तरह रोक लगा रखी है। और खैर के पेड़ों के जो कटान की मांग लगातार यहां विशेष तौर पे इस क्षेत्र से आया करती थी, उसकी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और उसके बाद अब उसके कटान की परमिशन मिली है, जिससे कि विभाग के आय में 10 करोड़ रुपए के आसपास इजाफा होने का उम्मीद है। तो इसलिए
लगातार वन विभाग भी प्रयास कर रहा है, उसके ऑफिसर भी प्रयास कर रहे हैं कि वनों को बचा के भी रखा जाए और वनों से आय के संसाधन भी तलाशे जाएं और बेहतरीन कार्य हमारे वन विभाग ने पिछले सालों में किया है, इस साल में किया है और मैं विभाग को शुभकामनाएं देता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इस आबोहवा को मेंटेन करने के लिए जो प्रयास है उसको और बढ़ाया जाए। हम भी प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के प्रयासों को और तेज कर रहे हैं। प्रदेश में अगर ई टैक्सीज का प्रचलन हम बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए है कि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे। अभी हाल ही में हमने स्कीम लॉन्च की है बेरोजगारों के लिए कि अगर वो ई टैक्सी खरीदते हैं तो उनको टैक्सी खरीदने के लिए 50% का अनुदान हिमाचल प्रदेश सरकार देगी गाड़ी खरीदने पे, और उसके बाद वो गाड़ी 4 साल के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालयों में तैनात कर दी जाएगी और उस गाड़ी पे हर महीने 50,000 रुपया उस युवा बेरोजगार को दिया जाएगा जिसके पास लाइसेंस भी होगा और जिसकी आयु जो है 23 साल से ऊपर होगी। बहुत अच्छा रुझान इस योजना में मिल रहा है, बहुत लोग युवा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस लाने के लिए हम प्रयासरत हैं और उसका पहला स्टेशन इसी जिला के नदौन में बनाने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसी जिला में हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदेश का बेहतरीन बस अड्डा बनाने के लिए जो है कदम उठा रहा है और यहाँ पे स्थानीय विधायक भी बैठे हैं, इनको मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि बेहतरीन और खूबसूरत और एक अच्छा बस अड्डा बहुत जल्दी जो है हम आपको तैयार करके देंगे और उसके लिए तमाम औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जमीन के जो औपचारिकताएं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, उसके डिजाइन बनाने के लिए 2 करोड़ रुपया जारी हो चुका है, बाकी जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी कि हमीरपुर में एक अच्छा बस अड्डा बना के तैयार किया जाए। प्रदेश के संतुलित विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और जो भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है उसके लिए विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हम कदम उठा रहे हैं। आप सब लोगों ने मिलके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित की और उसमें पहला साल जो था रणनीति बनाने का वर्ष था कि हमें क्या क्या प्रयास करने हैं और कैसे आगे विकास को बढ़ाना है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी हैं। अब विकास आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, जमीन पे दिखेगा और हिमाचल प्रदेश के जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उसको योजना और आकार दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं और मैं प्रिंसिपल सीसीएफ साहब हमारे बड़े काबिल ऑफिसर हैं, इनसे मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि एक तो आपका जो कर्मचारी हैं कल्चर का जो ट्रूप्स हैं ये आप अपने तैयार करें ताकि जितने ये हमारे बच्चे हैं ये कल्चर एक्टिविटीज में जो है देश और दुनिया में भी अपना धमाल मचा सकें, अपना स्थान कायम कर सकें। आज आप को हमीरपुर कॉलेज के छात्र बुलाने पड़ रहे हैं, अगले कार्यक्रम में आपके अपने बच्चे जो है यहाँ पे प्रस्तुतियां करें तो लगे कि जैसे दूसरे विभागों ने इसमें अपनी छाप कायम कर दी है तो ये भी किसी से कम नहीं है और एक से एक छुपा हुआ जो आर्टिस्ट आपको इनमें से मिलेगा। और मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि आज आपको होमगार्ड का या पुलिस का बैंड मंगाना पड़ रहा है, आप अपना बैंड कायम कीजिए
फॉरेस्ट का अपना बैंड कायम कीजिए और बच्चों से आप ऑप्शन पूछें कि बैंड पार्टी में कौन आना चाहता है। जैसे पुलिस ने अपना बैंड कायम कर लिया है और पूरे देश में जो है अपना पहचान कायम कर रहा है, तो हमारे फॉरेस्ट के ये जो कर्मचारी हैं ये भी किसी से कम नहीं है। कल्चर की दुनिया में भी, खेल की दुनिया में भी, बैंड की दुनिया में भी और वनों को बचाने की दुनिया में भी ये बेहतरीन काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हमारे आप वनों की रक्षा के लिए कोई समझौता मत करना। वनों को जो नुकसान करते हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, उनको निपटने में जो है आप पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करके हिमाचल प्रदेश का आप झंडा बुलंद रखें। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मैं एक बार फिर से पूरे वन विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ।